मोहसिन और आसिफ की उदयपुर क्विट में पेशी को लेकर इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। कन्हैयालाल हत्याकांड में दोनों की गिरफ्तारी हुई है, दोनों पर साजिश में शामिल होने के आरोप हैं। तो मोहसिन और आसिफ की कोर्ट में पेशी को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, जहां कन्हैयालाल हत्याकांड में लगातार मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके बाद कई लोग इन्वेस्टिगेशन के बाद रडार पर हैं और इस बीच दोनों की अब कोर्ट में पेशी को लेकर और अपडेट के साथ TV9 संवाददाता जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, इनकी भूमिका संदेह के घेरे में क्या जानकारी और कोर्ट के सामने इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या रखा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं उदयपुर कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं अब से कुछ देर पहले मोहसिन और आसिफ को इसी गाड़ी के अंदर लाया गया, इसी पुलिस वैन के अंदर लाया गया है और उसके बाद यहाँ पर जो तमाम वकील थे, जो तमाम लोग हैं उदयपुर के, उनकी नाराजगी, उनका गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला। जमकर यहाँ पर नारेबाजी की गई और इसके अलावा साथ ही इन दोनों की जो यहाँ पर कोर्ट के अंदर पेशी की जा रही है, दरअसल जांच के दौरान पता चला है कि दोनों का महत्वपूर्ण रोल है कन्हैयालाल हत्याकांड के अंदर। आसिफ वो शख्स है जिस वक्त मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस ये दोनों हत्या करने के लिए जा रहे थे, उससे चंद मिनटों पहले इनकी आसिफ से मुलाकात हुई है कन्हैयालाल की दुकान के पास और बाकायदा उसी के इशारे के बाद ये उसकी दुकान के अंदर पहुंचे हैं। उस वक्त कन्हैया अकेले थे, गुस्सा साफ तौर पर देख सकते हैं लोगों के बीच में किस तरीके का है गुस्सा है। ये बताइए क्या कहना चाहेंगे आप लोग जिस तरीके से इन दोनों को भी पेश किया गया उसके बाद, मतलब किस तरीके का गुस्सा है आप लोगों के अंदर? अच्छा, ये देखो ये पूरे शासन जो राज्य सरकार के खिलाफ कहीं कमी रही है, राज्य सरकार के खिलाफ भी, तो इस तरह ये आतंकवादी हमले हुए और उसके खिलाफ हम सब पूरे देशवासी एक है और आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरीके का गुस्सा है आप लोगों के अंदर? उनको एक फांसी की देना चाहिए और जिन्होंने जो जघन्य कृत्य हत्या की है उसमें क्या है कि इन्होंने राज्य सरकार को और पुलिस प्रोटेक्शन मांगा था, 11 दिन तक पुलिस प्रशासन सो रहा था, उसके बावजूद उसको सुरक्षा नहीं दी गई और सुरक्षा नहीं देने के कारण आज वो कन्हैयालाल इस दुनिया में नहीं रहा। तो अब इनको मुलजिमों को तो बिल्कुल गुस्सा देखने में सामने आ रहा है। बिल्कुल, ये उदयपुर की कोर्ट है और कोर्ट के ठीक अंदर परिसर के अंदर बड़ी संख्या में जो वकील है वो इस वक्त इकट्ठा है। जैसे ही पेशी हुई मोहसिन की और आसिफ की, तुरंत यहाँ पर वकीलों का गुस्सा देखने को मिला, जमकर नारेबाजी की गई और फिलहाल अब जो आसिफ और मोहसिन है दोनों आरोपियों को कोर्ट रूम के अंदर पेश किया गया है, जहां पर कोशिश होगी कि उनकी रिमांड ली जा सके। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कोर्ट रूम के अंदर अब किसी भी बाहरी शख्स को जाने की इजाजत यहां पर नहीं दी जा रही है। जी सुरभि, जितेंद्र इस बारे में बता रहे हैं किस तरीके से अब दोनों की साजिश में जो भूमिका रही है उसके बाद अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बाद मोहसिन और आसिफ को कोर्ट में पेश किया गया है। साथ ही हम लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से कोर्ट परिसर के बाहर ही वकील भी हंगामा कर रहे हैं। उदयपुर कोर्ट के बाहर की ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन की उस रवैये पर, जहां कन्हैयालाल के इस पूरे मामले की जानकारी होने के बाद भी उसके साथ कोई सहयोग नहीं किया गया। जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ है। जितेंद्र, अगर आपको आवाज मिल रही है तो इन वकीलों से भी बातचीत करें। जी बिल्कुल, देखिए तमाम वकील इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उदयपुर कोर्ट का ये परिसर है। सर ये बताइए किस तरीके की नाराजगी है आप लोगों के अंदर? सर नाराजगी ये है कि इन्होंने पूरे उदयपुर जैसे शांत शहर को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है और हम हिंदू मुस्लिम भाई वगैरह हम सब एक साथ रहते हैं, जिसको इन्होंने बिल्कुल अराजकता फैलाकर हमारे में विद्वेष पैदा कर दिया है। और इनको, हम वकील हैं, हम कानून व्यवस्था में विश्वास करते हैं और हम कानून व्यवस्था से चलने वाले हैं, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर 2 से 3 महीने के अंदर ट्रायल चलाकर इसका फैसला करके इनको फांसी दे देनी चाहिए। क्या मांगे सर आप? इनके ये व्हाट्सएप ग्रुप जो चल रहा है उसमें 1000 लोग बाग है, इनकी व्हाट्सएप ग्रुप की चले चेक करनी चाहिए। इसमें हजारों लोग बाग मिलेंगे आपको जो इसी तरह का स्लीपर सेल उदयपुर में चला रखी है, पूरे राजस्थान में चला रही है। इन लोगों को इस हत्याकांड के बारे में पहले से ही मालूम था कि ये घटना होने वाली है। 17 तारीख को वो जिहादी वीडियो वायरल कर देता है, वो वीडियो कहाँ वायरल हुआ वो सब दोषी हैं। जिन जिन को इस हत्याकांड की जानकारी दी वो तो वो लापरवाही, प्रशासन का फेलियर, ये बिल्कुल प्रशासन का फेलियर है, पुलिस प्रशासन का कंप्लीट फेलियर है। उनको पहले से जानकारी दी कि इसकी जान को खतरा है, उसके बावजूद इसको कोई सुरक्षा प्रदान नहीं गई, ये पूरा अशोक गहलोत सरकार और प्रशासन का पूरा फेलियर है। आप क्या कहना चाहिए? जैसे कि मेरा कहना है, मोहम्मद अंसारी ने कहा कि मुझे परिवार की कोई चिंता नहीं क्योंकि उसके और उसके परिवार के पीछे बहुत सारे जन है। तो बिल्कुल ये देखिए, ये वो तमाम लोग हैं क्या जिनका साफ तौर पर कोर्ट परिसर में जाते हुए भी कुछ कहा जितेंद्र, जिसका ये जिक्र कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए दोनों को तुरंत यहाँ पर मैं चाहूंगा कैमरा में तस्वीर आपको दिखाई। ये कोर्ट परिसर का गेट है, ठीक यहीं पर जीप पुलिस वैन लगाई गई भरी सुरक्षा के बीच में, बड़ी कड़ी सुरक्षा के बीच में दोनों को कोर्ट परिसर के अंदर कोर्ट रूम के अंदर ले जाया जा चुका है। फिलहाल किसी भी शख्स के अंदर जाने पर पूरे तरीके से मनाई है, जो इस केस से जुड़े वकील हैं या फिर लोग हैं सिर्फ उन्हीं को कोर्ट रूम के अंदर जाने की यहाँ पर इजाजत दी गई है। इसके अलावा पूरा जो ये कोर्ट परिसर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, छावनी में तब्दील कर दिया गया। हालांकि जो वकील है उनका गुस्सा भी साफ देखने को यहाँ पर मिल रहा है जी। लेकिन जितेंद्र, अभी तक की मामले की इन्वेस्टिगेशन में उन तमाम व्हाट्सएप ग्रुप का हम सुबह से जिक्र कर रहे हैं जिसके जरिए एक पूरी कॉन्वर्सेशन की ट्रेल भी पता लग रही है कि कौन कौन से ऐसे लोग थे जो व्हाट्सएप ग्रुप में इनके साथ शामिल थे, और इसी के आधार पर ये पता लगाया जा सकता है कि किसकी क्या भूमिका रही है और कहां कहां तक इनका पूरा नेक्सस फैला हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में जानकारी मिली है, पता चला है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप था जो कि कत्ल के तुरंत बाद बनाया गया था। जिस वक्त इन्होंने कन्हैया लाल का कत्ल करा तुरंत रियाज मोहम्मद ने अपने मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और बताया जाता है कि उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तकरीबन 35 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे और इसके अलावा 2 से 3 और उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे जिसके अंदर पाकिस्तान के भी कुछ नंबर ऐड हैं और लगातार उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर आपत्तिजनक बातें सर्कुलेट की जाती थी। इसके अलावा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले जैसे वीडियो और बयान भी उस पर सर्कुलेट किए जा रहे थे। तो एक वीडियो लगातार हमारी स्क्रीन पर भी चल रहा है, इलाके का वो वीडियो, हत्याकांड के बाद का इमीडिएट वो वीडियो जहां पर लोगों में भी दहशत साफ नजर आ रही है। जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है जिस तरीके से इस निशान हत्या को अंजाम दिया गया उसके बाद कहीं ना कहीं इलाके के लोगों में दहशत तो है ही, साथ ही एक गुस्सा भी है। दहशत से ज़्यादा अगर कहें तो गुस्सा लोगों के अंदर है और गुस्सा सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन को लेकर है। साफ तौर पर कहना है लोगों का कि अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी सतर्कता दिखाई होती तो हो सकता था कन्हैया लाल की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन फिलहाल कोर्ट परिसर का मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा, देखिए किस तरीके से पेशी से तुरंत पहले बड़ी संख्या में जितने वकील थे वो सभी अपने चैम्बर से बाहर निकल आए और यहाँ पर जमकर एक्यूज के खिलाफ नारेबाजी की गई। छतों पर देखिए किस तरीके से तमाम वकील इस वक्त आपको खड़े हुए दिखाई देंगे, कोर्ट स्टाफ खड़ा हुआ दिखाई देगा और साफ तौर पर लोगों के अंदर नाराजगी है इसी बात को लेकर कि अगर पुलिस सतर्कता बरतती, अगर पुलिस ने संजीदगी से मामले को लिया होता, लगातार कन्हैया लाल को धमकियां दी जा रही थी, पुलिस में भी की थी, अगर उसी टाइम एक्शन कर लिया गया होता तो हो सकता था आज कन्हैया लाल परिवार के बीच बिल्कुल सवाल यही खड़ा हो रहा है और इसीलिए पूरी सरकार पूरी पुलिस सवालों के घेरे में। जितेंद्र सवाल यह भी उठता है जो फुटेज हम दिखा रहे हैं कि हत्याकांड के बाद बकायदा कई सारे ऐसे दुकान मालिक हैं जो अपना दुकान बंद करके दहशत के मारे वहां से भाग गए, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि इन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया और आराम से वहां से चलते बने, ना किसी ने इनको रोकने की कोशिश की ना किसी ने टोकने की कोशिश की, हालांकि बेशक गिरफ्तारी हो गई हो, लेकिन यह जरूर है कि बहुत ज्यादा सवाल पुलिसिया कार्यप्रणाली पर भी उठ रहा है।